lived on earth 10,000 years ago. दोस्तों जब हम धार्मिक ग्रंथों और फिल्मों वगैरह की तरफ रुख करते हैं तो हमें ये दर्शाया जाता है कि आज से करीब 1,00,000 साल पहले हम मनुष्यों का आकार आज के समय के मनुष्यों से काफी ज्यादा विशालकाय हुआ करता था, जो किसी राक्षस या फिर कह लीजिए कि दानव से कम नहीं लगते थे। परंतु जैसे जैसे हम भविष्य की ओर बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे इतिहास का ये सवाल चमक दमक के बीच खोता चला जा रहा है। लेकिन हमें मालूम है, हमारी तरह ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनके दिमाग में ये सवाल कभी ना कभी तो आया होगा कि आज से 1,00,000 साल पहले मनुष्य का इतिहास क्या था, क्या हम वाकई में दानव हुआ करते थे या फिर सच में कुछ और ही है। आज के इस वीडियो में हम आपको हर एक बात जानने का मौका देंगे, बस वीडियो में हमारे साथ इसी तरह बने रहिए। दोस्तों इतनी ज्यादा तरक्की करने के बावजूद हम मनुष्यों का इतिहास किसी अनसुलझी पहेली से कम नहीं है। एक तरफ तो हम तरह तरह की नई टेक्नोलॉजीज का आविष्कार कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ अपने इतिहास से अनजान होते चले जा रहे हैं। अब जैसे कि इंसानों और जानवरों की तुलना की जाए तो दुनिया में तमाम जानवरों की कई प्रजातियां ऐसी हैं। आप किसी भी जानवर को ले लीजिए, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में उनकी अलग अलग प्रजातियां मिल जाएंगी, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण सांप है। हर प्रजाति का सांप उसके आसपास के वातावरण से तय होता है, लेकिन हम इंसानों के साथ ऐसा नहीं होता। हम इंसानों की सिर्फ एक ही प्रजाति होती है जिसे होमो सेपियंस कहते हैं। जानकारों का कहना है कि आज से करीब 20,000 साल पहले धरती पर पहला इंसान पैदा हुआ और तब से कुदरत में तरह तरह के बदलाव हो चुके हैं। हम इंसानों ने बहुत तरक्की कर ली है, आज हम पूरी की पूरी एडवांस जिंदगी जी रहे हैं और आने वाले समय में हमारी जिंदगी और भी ज्यादा एडवांस हो जाएगी। लेकिन खुद को बेहतर बनाने के चक्कर में हम इंसानों ने हमारे पूर्वजों के इतिहास पर उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया जितना हमें देना चाहिए, और इसी का नतीजा है कि अभी तक हमारे पूर्वजों के अस्तित्व पर कोई भी ऐसा प्रमाण नहीं मिल पाया जिसे हम सच मान सकें। लेकिन अलग अलग धार्मिक ग्रंथों और फिल्मों में ऐसे विशाल मानवों को दर्शाया गया है जो उस बात को बताते हैं कि डायनासोर के अंत के बाद और हम मनुष्यों की शुरुआत से पहले आज से करीब लाखों साल पहले हमारे जैसे आम मानव नहीं बल्कि राक्षसों जैसे विशाल मानव इस धरती पर राज करते थे। और ये कोई हवा में कहने वाली बात नहीं है, बल्कि पृथ्वी पर कई जगहों पर ऐसे प्रमाण मिले हैं जो इस बात का दावा करते हैं कि आज से लाखों साल पहले हमारी पृथ्वी पर बहुत ही विशाल काय दानव रहते थे। और अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं उसे सुनने के बाद तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप सच में पड़ जाएंगे कि ये बात सच है या नहीं, हमारी पृथ्वी पर कभी राक्षसों ने हुकूमत की है। दोस्तों इंग्लिश की एक बहुत पुरानी कहावत है, सेफर में बड़ी बड़ी दीवारों और इमारतों के बारे में बताया गया है जिसे बनाने वाले विशालकाय आकार के दानव हुआ करते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर हम इतिहास के पन्नों खंगाल कर देखें तो हमें इस तरह के एक दो नहीं बल्कि हजारों उदाहरण मिलेंगे जो कि दिमाग को घुमा कर रख देते हैं। अब जैसे कि 1950 में अमेरिका के आर्मी को मिले कंकाल को देख लीजिए। ये कंकाल एक पुरुष का था जिसका साइज 18 फीट से भी ज्यादा था, जहां उसकी केवल खोपड़ी ही हम इंसानों के पूरे शरीर से बड़ी थी। इतना ही नहीं, साल 1930 में अलास्का में एक इंसान की खोपड़ी मिली जिसका साइज 3 फीट का था। अब आप सोच लीजिए, जिसकी खोपड़ी 3 फीट की होगी उसका शरीर कितना बड़ा होगा। पर कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती, क्योंकि मंगोलिया में भी एक नर कंकाल मिला और जब वैज्ञानिकों ने उस कंकाल की जांच की तो पता चला कि वो कंकाल 1,25,000 सालों से भी ज्यादा पुराना है। और दोस्तों ऐसे दुनिया भर में कई सारे अवशेष मिलते हैं जो दर्शाते हैं कि आज से लाखों साल पहले हम इंसानों जैसे आम दिखने वाले इंसान नहीं बल्कि दानवों जैसे विशाल इंसान इस धरती पर राज करते थे। दोस्तों लेबनान नाम की एक जगह पर बैबलिक नाम का एक मंदिर है और इस मंदिर के बारे में बताया जाता है ये मंदिर तकरीबन 1,00,000 साल पुराना है। उस मंदिर में रखे पत्थर इतने बड़े हैं जिसे आम इंसानों द्वारा उठाना नामुमकिन है। जानकार तो ये भी कहते हैं कि अगर 20,000 से भी ज्यादा लोग जुट जाएं तब भी उन पत्थरों को नहीं उठा सकते। तो सवाल उठता है कि आज से लाखों साल पहले लोगों के पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी तो इन पत्थरों को कैसे एक के ऊपर एक रखा गया, वो भी इतने परफेक्ट तरीके से, क्योंकि इतने भारी पत्थरों को उठाने में हम इंसानों की तो हालत ही खराब हो जाए। और मान लिया कि इतने सारे लोगों ने इन पत्थरों को उठाया होगा, लेकिन इन्हें उठा उठा कर एक के ऊपर एक रखना वो भी एकदम परफेक्ट तरीके से, ये बात कुछ हजम नहीं होती। ऊपर से ये जो मंदिर है इसके बारे में कई सारे ग्रंथों में भी लिखा गया है कि इसे इंसानों नहीं बल्कि दैत्य जीवों ने बनाया है जिनका आकार नॉर्मल इंसानों से 5 गुना ज्यादा बड़ा होता है। दोस्तों अपनी विशालकाय मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध ईस्टर आइलैंड पर नजर डाली जाए तो आप यहाँ पर पाएंगे कि तकरीबन 1,000 मूर्तियों का संग्रह है जिसकी हर एक मूर्ति 100 टन से भी ज्यादा भारी है। और दोस्तों ये मूर्तियां इतनी ज्यादा मजबूत हैं कि अगर इन्हें हथौड़े से भी मारा जाए तो भी इन मूर्तियों पर कोई खरोंच नहीं आती। तो दोस्तों बात इसी सवाल पर खत्म हो जाती है कि अगर इन मूर्तियों को तोड़ना इतना मुश्किल है तो इनको बनाया कैसे होगा और किसने बनाया होगा। चलिए एक बार हम ये भी मान लेते हैं कि इन मूर्तियों को किसी आम इंसान ने बनाया होगा, तो ये सवाल हमारे मन में आता है कि कैसे इन मूर्तियों को एक जगह से दूसरी जगह लाया गया होगा, क्योंकि हजारों टन वजन वाले इन पत्थरों को उठाने के लिए 20,000 से 30,000 लोगों की जरूरत पड़ेगी। अगर हम अपने इतिहास से जुड़े आंकड़ों की माने तो लाखों साल पहले इतनी आबादी भी नहीं हुआ करती थी।
लाखों छोड़ दीजिए, आज से कुछ हजार साल पहले भी एक जगह पर हजारों लोग नहीं रहते थे, बल्कि दर्जनों लोगों का गुट अलग अलग जगहों पर रहा करता था। दोस्तों, मैक्सिको सिटी से 31 मील की दूरी पर एक इमारत बनी है जिसे सिटी ऑफ गॉड के नाम से जाना जाता है। और इस इमारत की सबसे खास बात जानकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि इस इमारत में बड़े बड़े पत्थरों से सोलर सिस्टम को दर्शाया गया है और उसके बीच में सूर्य को भी बनाया गया है। दोस्तों, इसी के साथ ही इस इमारत में प्लूटो को भी दर्शाया गया है। अब ये बात चौंका देने वाली है, क्योंकि प्लूटो की खोज वैज्ञानिकों ने साल 1930 में की थी, तो लाखों सालों पहले बने इस इमारत में प्लूटो का जिक्र कैसे? अब इस बात से तो चीज साफ हो जाती है कि पहले के जीव ना केवल विशाल थे बल्कि बहुत ही बुद्धिमान भी थे, जो साइंस और प्लैनेट्स के बारे में अच्छी खासी जानकारी रखते थे। दोस्तों, इसी तरह से 1930 में भी हांगकांग में एक इंसान का दांत मिल गया जो कि आम इंसान के दांत से 5 गुना बड़ा था। और तो दोस्तों, बहुत सी जगहों पर ऐसे विशाल दानवों के पैर के निशान मिले जो हम इंसानों के पैरों से बहुत बड़े हैं। और ये तो वो चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको पता नहीं है या फिर आप इससे अनजान है, लेकिन इजिप्ट के पिरामिड के बारे में तो हर कोई जानता ही होगा, है ना? अगर आप उस पर नजर डालें तो उसे बनाना भी कोई बच्चों का खेल नहीं है। हजार लोग इकट्ठा हुए और धीरे धीरे करके पिरामिड तैयार कर दिया गया। जब इजिप्ट का पिरामिड बनाया गया है ना, तब ना तो उस समय में इतनी हाई टेक्नोलॉजी हुआ करती थी कि पिरामिड की चोटी तक पहुंचकर उसे इतना अच्छा शेप दिया जा सके, और ना ही इतने ठोस हथियारों की खोज हुई थी जो पिरामिड को बनाने में मदद कर सके। तो कैसे पिरामिड को इस तरह अनोखा शेप दिया गया, ये बात भी रहस्य की तरह हम सबके सामने आती है। पर ये सारी बातें इसी ओर इशारा करती हैं कि आज से करीब 1 लाख साल पहले विशालकाय आकार वाले जीव रहते थे जिनमें ना केवल बल था बल्कि बुद्धि भी भरपूर मात्रा में थी। और तो और, उन्हें विज्ञान की भी अच्छी खासी समझ थी, तभी तो उन्होंने इस तरह की अद्भुत चीजों को बनाकर हम मनुष्यों के सामने एक रहस्य की तरह खड़ा कर दिया। दोस्तों, आप माने ना माने, ये सारी चीजें इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि हम इंसानों के जन्म से पहले भी इस दुनिया में हमारी तरह दिखने वाले विशालकाय दानवों ने अपनी हुकूमत की है। बाकी आपको क्या लगता है, क्या ये सारे सबूत गलत हैं या फिर बात कुछ और है? जवाब हमें कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और हाँ, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर दो और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।